वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले क्लास 9 की एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप साइंस की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं साइंस ए के स्टडी 1024। ये साइंस का चैनल है जहाँ से आपको साइंस की वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस इज गिवन बिलो, मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, व्हाट आर द मोस्ट एंड लीस्ट फ्रीक्वेंसी अकरिंग डिजिट्स। मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू दी गई है अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस तक। अब यहाँ पर इतनी जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसके बाद जो डेसिमल पॉइंट आएंगे उसके नीचे लिखा है, इसके बाद जो आएंगे वो नीचे लिखा है, ठीक है ना। इस तरह से ये सारे डेसिमल पॉइंट हैं, जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे नीचे करके लिख दिया है। अब यहाँ पर हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है उन डिजिट्स की जो डेसिमल के बाद आए हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन में बोला गया है जो डेसिमल के बाद आ रहे हैं उनका, मतलब डेसिमल से पहले वाले डिजिट का यहाँ पे हम कुछ रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ठीक। और फिर पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम बार कौन सी डिजिट आई है। तो शुरू करते हैं। देखो, डिजिट्स क्या हैं 0 से लेके 9 तक, यहाँ पर टैली मार्क और ये फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो शुरुआत में देखो, ताकि हम भूलें ना इसलिए मैं निशान लगाता रहूँगा। सबसे पहले 3-3 करके लेते हैं, 1 4 1, ठीक है। तो पहले क्या आई 1, तो 1 के आगे निशान, फिर 4 4 के आगे निशान, फिर दोबारा से 1, ठीक। फिर 5 9 2, फिर डिजिट कौन सी आ रही है 5, फिर कौन सी आई 9, फिर कौन सी आई 2। इस 3 को मैंने जानबूझ के छोड़ा है क्योंकि पॉइंट के बाद वाली डिजिट का हमें रिप्रेजेंट करना है, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ से 6 5 3 6 5 3, यानी कि यहाँ पर 6, फिर 5, फिर 3, फिर आ गया 5 8 9, तो यहाँ से आया 5, फिर ये 8, फिर ये 9, उसके बाद आया 7 9 3, तो यहाँ से आ गया ये 7, ये आया 9 और ये आया 3, उसके बाद है 2 3 8, तो यहाँ पर आया 2 और यहाँ पे आया 3 और यहाँ पे आया 8, फिर है 4 6 2, तो यहाँ से ये 4 और ये 6 और ये 2, उसके बाद है 6 4 3, तो यहाँ से ये आया 6 और ये आया 4 और ये आया 3, उसके बाद है 3 8 3, तो यानी कि यहाँ से 3 और ये 8 और ये 3, उसके बाद है 2 7 9, तो यहाँ से आया 2, फिर ये आया 7, फिर ये आया 9, उसके बाद है 5 0 2, तो यहाँ से आया 5, उसके बाद है 0 और उसके बाद है 2, उसके बाद है 8 8 4, तो यहाँ से 8 दूसरा 8, फिर 4, इसके बाद है 1 9 7, ये आ गया 1, ये आया 9 और ये आया 7, फिर 1 6 9, तो यहाँ से आया 1, ये आ गया 6 और ये आ गया 9, उसके बाद है 3 9 9, मतलब कि ये आ गया 3, 9 दो बार है, इसके बाद है 3 7 5, तो यहाँ से आया 3 और फिर ये 7 और फिर ये 5, फिर है 1 0, तो यहाँ से आया 1 और यहाँ से आया 0, ठीक है। अब सबकी फ्रीक्वेंसी देखते हैं, ये कितनी बार है 2 बार और ये 5 बार और ये 5 बार और ये 8 बार और ये 4 बार, ये 5 बार, ये फिर से 4 बार और ये 4 बार, फिर ये 5 बार और ये 5 और 3 8 बार। सबको जोड़ के देखो, 5 और 2 7 5 12 12 8 20 4 24 5 29 29 और 4 33 4 37 5 42 और 8 50, ठीक है। कितना आ गया टोटल 50 आ गया, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो बन गई। फिर सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया था कि सबसे कम बार कौन आया है, सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे कम कौन सा नंबर दिख रहा है आपको 2, तो सबसे कम बार आया है 0, ठीक है। तो आप लिख लेना सबसे कम आया है 0 दो बार, और सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर कौन सा नज़र आ रहा है आपको, सबसे बड़ा नंबर है 8, लेकिन 8 यहाँ भी है और 8 यहाँ भी है, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा बार आए हैं वो 2 डिजिट हैं 3 और यहाँ पे कौन है 9, यानी कि 3 और 9 सबसे ज़्यादा बार आए हैं और 0 सबसे कम बार आए हैं। तो उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।